नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं चले न्यूज़ 24 में। आपका स्वागत है। तलाक के बाद लड़के पक्ष के परिजनों के बीच सड़क पर महिला की मारपीट की गई, मंगलसूत्र छीनने का आरोप भी लगाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। जतारा कस्बे के न्यायालय परिसर के बाहर भी सड़क पर थम्मा खड़ा हो गया, जब लड़के पक्ष के महिला और पुरुषों में एक दूसरे पीड़ित व्यक्ति की सरेआम सड़क पर मारपीट की जाने लगी। हंगामा देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग अपने मोबाइलों में वीडियो बनाते रहे। दोनों के बीच विवाद चलता रहा, लोग तमाशबीन बने देखते रहे। बताते चलें कि थाना बमोरी कला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गंदरगंज निवासी अमन कुशवाहा ने 2 साल पहले अपनी लड़की लाल कुआ कुशवाहा की शादी झांसी जिले के गुटसराय निवासी हरिओम कुशवाहा से की थी। दोनों के बीच में शादी के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। लड़की का आरोप था कि पति हरिओम आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता है और दहेज की मांग करता है, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कई बार दोनों के परिजनों व रिश्तेदारों के बीच सामाजिक पंचायत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी और मामला अदालत तक पहुँच गया। अपने अधिवक्ता के पास जतारा न्यायालय में अधिवक्ता ने दोनों पक्ष के लोग आए हुए थे, जहां पर दोनों का लिखित समझौता हुआ और जैसे ही दोनों पक्ष के लोग बाहर निकले तो लड़के एवं लड़की पक्ष की महिलाओं ने एक दूसरे की मारपीट करना शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगे। इधर सड़क पर दोनों के बीच हाथापाई होती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने थाना प्रभारी हिमांशु चौबे को मामले की फ़ोन पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर आकर दोनों पक्ष के लोगों को जतारा थाने में बैठाया, जहाँ पर लड़की के द्वारा ससुराल पक्ष के अपने पति हरिओम कुशवाहा के परिजनों के खिलाफ मारपीट व मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने का आवेदन पुलिस को दिया है। पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामले को गंभीरता से ले रही है। जतारा पुलिस ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। पीड़ित युवती की कार पर लड़की के ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों में समझौता भी होने के चांसेस हैं। जतारा से लाली झा की रिपोर्ट।